नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 गोविंदा गांव में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। एक और सरकार नल जल जैसी योजनाओं को लेकर लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट तैयार कर लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही से इन महत्वपूर्ण काम को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इस विषय पर अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। बस 2-4 महीने में इस परियोजना के केवई नदी से जोड़ने की बात कही जा रही है। रहवासी जिस फिल्टर का पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल काला है और उसमें तेल और ग्रीस की परत है और यही पानी शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदा गांव में भी भेजा जाता है। इस दूषित पानी को पीकर रहवासी लगातार बीमार हो रहे हैं और नगर पालिका के द्वारा इन्हें अब तक पेयजल के रूप में एक टैंकर पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अच्छा, पार्षद प्रतिनिधि है ना, तो यहाँ पे ग्रामीण पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हमने फिल्टर में भी देखा कि वहाँ बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, तो किस हद तक जानकारी है आपको? नहीं सर, तो जानकारी अपन को ही है, लेकिन देखो वहाँ का सिस्टम एक ऐसा है, मतलब पालरी से अपन नगर पालिका से दोनों संबंधित है और उसमें क्या है कि किसी तरह पालरी वाले मतलब दिन में मतलब पानी देते हैं और रात में नहीं दे पा रहे हैं पानी, तो इसके कारण मतलब पानी दूषित मतलब हो रहा है। कहीं अपन को रेगुलर पानी काट रही अपन को दे दे तो अपन रात वाला पानी मतलब दे करके दवाई अपन डाल के स्टॉक बना ले और दिन में अपना सप्लाई करें, तो पहले ऐसा तो होता था मतलब, तो पानी अपना पर्याप्त मिलता था। और इस समय क्या है कि वही उनका मैन पावर मतलब कम होने के कारण सिर्फ एक ही टाइम पानी लोग दे पा रहे हैं। अभी यहाँ गर्मी भी आने वाली है, हाँ। अगर पानी की इसी प्रकार से समस्या बनी रही तो ग्रामीणों के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, कदम तो उठाया जा रहा है, ये वाला जहाँ तक हो सके अभी प्रयास है कि 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 महीने बाद, हाँ। तब तक तो गर्मी खत्म हो जाएगी। और अब देखो प्रयास तो अभी लगे हैं, हो सके कि जल्दी हो जाए। गर्मी में जहाँ तक कोई केवल फिल्टर बड़ा वाला समय कोई लगे हैं अपना, तो केवल फिल्टर मिल के लिए तो अभी आपके द्वारा पाइपलाइन तक बीच बिछाई नहीं गई है? नहीं, पाइपलाइन बिछ गई। पाइपलाइन कहाँ बिछी? ये पूरे मेन रोड में बिछी है। तो क्या ग्रामीणों तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है? पूरे ग्रामीण तक है व्यवस्था, अभी फिलहाल के लिए मतलब वही पुराने जो पाइपलाइन है उसे अपन टचिंग करवा देंगे। तो कब तक ये चालू होने की संभावना है? ये तो मेरे अनुभव से 2 महीने तो लगे ही जाएगा, हो सके कि 1 महीने के अंदर हो जाए। लेकिन पानी के तो वाकई विकराल समस्या है, समस्या है नहीं, लेकिन वही है कि मतलब थोड़ा फिल्टराइज सही ढंग से जैसा होना चाहिए मतलब नहीं हो पा रहा है। कहीं हो जाए तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि जल ही जीवन है, पानी से ही सब कुछ है। अच्छा, आप ये वार्ड क्रमांक 11 के निवासी हैं? हाँ। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अरे पूरा खराब पानी है। तो किस हद तक आप पानी की समस्या तो है ही, साथ ही साथ यहाँ जो पानी है वो बहुत गंदा पानी दे रहा है नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका में जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि जाओ आप कालरी में शिकायत करिए, जिया ऑफिस जाइए। तो इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं गांव वार्ड नंबर 11 के, वो सभी परेशान हैं। हर एक घर से बीमार हो रहे हैं सभी, किसी को बुखार, किसी को पीलिया। ये हफ्ते भर से इस जो बीमारी है वो ज़्यादा ही बड़ी है, लोग परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है सबसे कि यहाँ जो पानी आ रही है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। अपने किसी जनप्रतिनिधि से इसके बारे में बात की अपने ग्राम में, मतलब इसके बारे में हमने सूचना दी अपने प्रतिनिधि से, पार्षद जी से कहा कि आप देखिए पानी यहाँ का बहुत ख़राब आ रहा है। तो उन्होंने कहा हम भी अब क्या करें, हम भी परेशान हैं, हम तो पानी खरीद के पी रहे हैं इतना ज़्यादा है। और हम जा रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ये 2-4 दिन होते हुए थे, आज ये 10 दिन हो रहे हैं। तो नगर पालिका में तो पानी के लिए फंड भी आता है बाकायदा, तो अगर पीने की व्यवस्था यहाँ पर पानी की सही सलाहत नहीं है तो क्या टैंकर के लिए आपके पार्षद ने अप्लाई किया? इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, फंड वगैरह वही पार्षद ही जाने। हम तो अब नागरिक हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, जो ऐसे भी हो हमें शुद्ध जल की व्यवस्था की जाए। हम गाँव का आश्वासन दिया है आपको वार्ड पार्षद? उन्होंने तो कहा है कि देखिए अब नगर पालिका में हम इसकी सूचना देंगे, जैसे भी हो जल्द सही करवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो, इस तरह से तो होता रहेगा। पानी अगर इसी तरह, जल ही जीवन है और जल से ही सब कुछ होने वाला है। अगर जल ही खराब पानी की उसके हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, वहाँ पे साफ सफाई करवा के उसमें नया पानी भरवा के रेता गिट्टी सब मिक्स करवा के उसको फिर से नया करवाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। थैंक यू।